फिर पूरे दिन में उस वीडियो पे अप्रॉक्सीमेटली हर घंटे 1000-2000 व्यूज ऐसे बढ़ते जा रहे थे। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस, एक मिनट। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज का वीडियो मैं दोपहर को शुरू करता हूँ, कर रहा हूँ, मतलब आज की दोपहर कुछ ऐसी सी है, सब कुछ शांत नज़र आ रहा है, हमारे घर पे भी सब कुछ शांत है, सनी सो रहा है। और आज का वीडियो का थंबनेल जो है उस चीज़ के बारे में मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। सुबह सुबह उठा मैंने, चलिए ये स्टोरी मैं लास्ट में बताऊँगा, पर अभी के लिए कौन बजा रहा है यार, कहीं ना कहीं तो ड्रिल की आवाज़ आ रही है, मैं देखता हूँ सनी उठाए कि नहीं। इससे पहले कि हम लोग सनी को उठाए, भाई यार ये एक है ना पंछी बड़ा परेशान कर रहा है, जी 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 कर जा रहा है। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि इससे पहले कि हम लोग सनी को उठाए, उससे पहले मैं अपना वीडियो अपलोड हो रहा है उसको देख लेता हूँ। ये है ना, मेरे को वीडियो अपलोड करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बड़ा वीडियो मेरे डेटा से अपलोड नहीं होता और मैं हॉटस्पॉट लेके करता हूँ, तो फिर वो थोड़ी मगजमारी करता है। काफ़ी बार मैंने ब्लॉग में भी बताया हुआ है कि कुछ मगजमारी हो गई, किसी में कुछ मगजमारी हो गई, तो वो थोड़ा दिक्कत देता है मेरे को, पर ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे काम तो हो जाता है। तो अभी जस्ट मैंने एक बंदे से बात करी फ़ोन पे, तो उसको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए था कि भैया ये कैसे करना है, ये क्या करना है करके। मैं उसको ऐसा बोला कि देखो, आपको अगर वेट गेन करना है तो आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा, और अगर आपको वेट लूज़ करना है तो थोड़ा कम खाना पड़ेगा। तो बहुत बार मेरे को ये वाला जवाब मिलता है, और इसने भी वही जवाब दिया कि भाई मैं बहुत खाता हूँ, ऑलरेडी इतना खाता हूँ मैं, इतनी रोटियाँ खाता हूँ मैं, ये खाता हूँ। देखो एक बात समझते हो, आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक बलून है सपोज, जो होली में नहीं हम एक दूसरे को बचपन में मारते थे, उस बलून में अगर आप एक एक छोटी पिचकारी पानी डालो तो वो उतना भी भर लेता था, उससे मीडियम पिचकारी पानी डालो तो वो उतना भी भर लेता था, और उससे बड़ी वाली पिचकारी पानी डालो तो वो उतना भी भर लेता था। अब इसमें बलून चेंज तो नहीं हुआ, एक ही बलून है बराबर, उसका जो इनटेक है वो चेंज हुआ है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा इनटेक ऑलरेडी कर रहे हो और आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है, तो आपके बॉडी के अनुसार वो ज़्यादा इनटेक नहीं है, वो सिर्फ आपके दिमाग के हिसाब से ज़्यादा इनटेक है, जो कि आपके वेट गेन में काम बिल्कुल नहीं आने वाला है। चुपचाप वेट गेन के लिए एक चीज़ करो, अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, सिंपलेस्ट चीज़ मैं बताऊँ, हर मील में थोड़ा खाना ऐड कर दो। मैं हमेशा रोटियों का एग्जाम्पल देता हूँ सबसे सिंपल चीज़ रखने के लिए, कि आप अगर 3 रोटियाँ खाते हो या फिर फॉर दैट मैटर 10 रोटियां खाते हो और फिर भी आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो भाई 12 खाओ। अगर 12 खाते हो फिर भी नहीं बढ़ रहा है, 14 खाओ। समझ रहे हो, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल नंबर्स है, इस पे मत चले जाना। आपके यूजुअल इनटेक से बढ़ाओ अगर आपको गेन करना है, घटाओ अगर आपको लूज करना है। और यही नहीं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें कर सकते हो, चैनल पूरा देख लो, बहुत सारी चीज़ें करी हुई है इसी चीज़ के बारे में। फिटनेस फिटनेस करके चैनल को व्लॉग में तब्दील कर दिया, तब तक ये वाली चीज़ नहीं समझ आ रही तुम लोग को। और हाँ, एक प्रो टिप है जो हार्ड गेनर्स है उनके लिए, जो मैंने शेक वाली रेसिपी डाली हुई है वो ट्राई करो एक बार, मेरे लिए वंडर्स करे हो उस शेक ने। सनी को उस शेक से प्यार हो गया, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो शेक किसी का भी वजन बढ़ा सकता है, मतलब बहुत ही गजब रिजल्ट है उसका। आप उसको दिन में 2 बार पी के देखो, 2 ग्लास ट्राई करो। अगर आपको बहुत ज़्यादा वेट गेन करना है स्टार्टिंग में तो 2 ग्लास पियो, अगर धीरे धीरे करना है तो 1-1 ग्लास पियो, बहुत ही बढ़िया गेनर है। तो करीब आधे घंटे बाद सनी उठ चुका है और अभी वो नीचे गया है। अब फिलहाल मैं अभी तक वो वीडियो में लगा हुआ हूँ, पर अभी जो है मैं वो वीडियो का रिस्पॉन्स देख रहा हूँ जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला था। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ये ब्लॉग ख़त्म होने तक उस वीडियो का रिस्पॉन्स देख लेते हैं, फिर जाके मैं बताता हूँ आप लोग को पूरा चीज़ की सुबह से वो वाला वीडियो कैसा कर रहा है, क्योंकि ये बड़ा नया है मेरे लिए, मेरी कोई वीडियो एज इन इतनी चली नहीं है, यूट्यूब पे तो बिल्कुल भी नहीं और रील पे भी नहीं अभी तक। और ये वाला अकाउंट नया था तो मैं सरप्राइज़ हो गया थोड़ा कि यार 0 फॉलोअर्स वाले अकाउंट पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक और ऐसा सब। ये एक चीज़ दर्शाता है कि आप लोग का जो कंटेंट होगा उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मतलब मेरे एक फ्रेंड ने भी बोला था मेरे को वो वीडियो देख के, द फर्स्ट डे आई पोस्टेड इट, उसने बोला था कि कंटेंट क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गई है पहले से। तो मेरे को भी लगा वो वाला वीडियो क्रिएट करते हुए कि हाँ, ऐसा वीडियो लोग देखना पसंद करेंगे। वैसे तो हम लोग ट्राई हमेशा वही करते हैं कि ऐसी ही चीज़ बनाए जो लोगों को देखना पसंद हो, वरना फिर बस हम बनाने के लिए बनाएंगे तो वो चीज़ इतनी अच्छे से जाती नहीं है। पर दूसरी चीज़ ये भी है कि जब आप क्रिएट कर रहे होते हो कोई भी चीज़, आपको लगता है कि लोगों को उसकी ज़रूरत होगी, पर कभी वो चीज़ सही होती है, कभी वो चीज़ सही नहीं होती है। तो ये सारा ट्रायल एंड एरर वाला गेम है, कोई चीज़ चलती है कोई चीज़ की लोगों को ज़रूरत होती है, कोई चीज़ नहीं चलती है जिसकी ज़रूरत लोगों को नहीं होती है,
ऐसी वाली चीज़ है। और ये ज़रूरत वाली भी बात नहीं है, वो कोई चीज़ कैसे प्रेजेंटेड है, कोई चीज़ कैसे शूट हुई है, कोई चीज़ किस तरीके से सिंपली बता रहे हो आप, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर मैं थोड़ा बहुत कर करके सीख चुका हूँ कि सिंपल हाई क्वालिटी और वैल्यू एडिंग कंटेंट बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है। चाहे आप रील पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, दोनों प्लेटफॉर्म्स पे रीच अलग अलग होती है। यूट्यूब पे थोड़ा ग्रो होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यूट्यूब पे रीच मिलना इतना ज़्यादा आसान नहीं है जितना रील पे है, पर रील पे भी आसान नहीं है, बहुत सारे लोग करते रहते हैं पर उनकी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाती है, बहुत लोग बहुत टाइम से लगे होते हैं उनकी वीडियोज़ भी अच्छी नहीं कर पाती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द वीडियो। तो सनी के फरमाइश पे फ़िलहाल पास्ता बना हुआ है घर पे, अगर आप लोग को पास्ता पसंद है, बड़े सिंपल स्टाइल से बनता है, कोई भी ज़्यादा ओवर एग्जैजरेशन नहीं होता है। वो जैसे ही नीचे गया होगा उसको भूख लग रही होगी, कुछ ना कुछ मांगा होगा। तो मैंने अभी खा के ख़त्म कर दिया, एक नॉर्मली स्पून से पास्ता खा लिया, फोक वोक। वैसे तो पहले मैं नूडल्स वगैरह भी इसी से खाते थे हम लोग, पर वो बात छोड़ो, अभी खुशखबरी आई है कि मैं जिस सीनियर की बात कर रहा था अपने पिछले ब्लॉग में, जो मेरे को हेल्प कर सकते हैं मेरे प्रोजेक्ट में, उनका रिप्लाई आया है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। अभी पूरी तरीके से मेरी हेल्प हुई नहीं है, पर हो जाएगी मेरे को ऐसा लग रहा है। उन्होंने बोला है कि वो ट्राई करेंगे, पर ठीक है इतना भी बहुत है, क्योंकि अभी तक वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, मैसेज भी सीन नहीं कर रहे थे, पर अभी उनने रिप्लाई करा है, थैंक यू भाई। ब्लॉग भी 90% अपलोड हो चुका है, मेरे को थोड़ी और भूख भी लगी है तो शेक भी पीऊँगा। तो ठीक है, वहाँ पे कुछ लड़के लोग क्या कर रहे हैं, अरे कैमरे में दिखेगा या नहीं दिखेगा पता नहीं, वहाँ पे दो लड़के लोग हैं, पता नहीं कुछ उनकी बॉल वगैरह गिर गई है या क्या। ऐसे वो जगह बड़ी डेंजरस है, वो ऐसे थोड़ा सा खेत और रोड के बीच में जो जगह नहीं होती है, थोड़े खड्डे जैसी वैसी जगह है, वहाँ पे एक बार सनी ने लाइव ऐसे एक बंदे को, एक्टिवा चला रहा था वो, और उसने वो एक्टिवा नीचे उतार दी थी। और नई नई गाड़ी थी, वो गाड़ी नहीं होती जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता है, बेचारा शायद सीखने वीखने आया होगा तो गिर गया था। भगवान करे ऐसा किसी के साथ नहीं हो, पर उस दिन नसीब भी आई, थोड़ी दया भी आई बेचारे पे कि यार नई नई गाड़ी ठुक गई, घर पे बहुत गालियाँ खाई होंगी बेचारे ने, अपने आप को बहुत कोसा होगा उसके बाद उसने कि यार काशी वाला रोड नहीं लेता मैं, या काश वो बाहर वाले रोड से चले जाता, या काश थोड़ी अच्छे से सीख लेता तब अकेला आता। पर ठीक है, गलती एक बार हो गई, उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, वो लड़के लोग पक्का बॉल ढूंढ रहे हैं, मेरे को 100% पता है। मैं और सनी हमेशा ऐसा ही करते थे, इससे पहले वाले जिस घर पे रहते थे हम लोग, टेरेस पे इतना खेलते थे, मतलब हम लोग के 3 टेरेस ऐसे कनेक्टेड थे और हम लोग साथ में खेलते थे, बॉक्स क्रिकेट जैसे टाइप खेलते थे प्लास्टिक के बॉल पे, और वो छोटी सी हमारी पहले की बैट है, उस वाली बैट से हम लोग इतना तगड़ा खेलते थे, और उसमें हमेशा सनी मेरे को बीट करता था। हम लोग के छोटे छोटे भाई लोग, वो लोग फील्डिंग करते थे, अरे राजू भाई हम लोग को खिला लो, हम लोग फील्डिंग कर लेंगे, हम लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे, या फिर वो लोग स्पेक्टेटर्स होते थे, उन लोग को हम लोग ऐसी जगह बिठा देते थे जहाँ उन लोग को बॉल नहीं लगे और जहाँ से वो लोग देख भी पाए कि कौन कैसा मार रहा है, कौन कैसे क्या कर रहे हैं। हाँ, दो और लोग आ गए, वो लोग पक्का बॉल ढूंढ रहे हैं, देखो ये रहे वो लोग पक्का यहाँ कहीं रहते होंगे, या फिर वहाँ से तो नहीं, वहाँ से इतना दूर नहीं मार सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं। और यही वो गड्ढा है जिसकी बात मैं कर रहा था, जहाँ पे वो लोग खड़े हैं उसके बाजू में गड्ढा है। तो ऐसा कुछ हो रहा है सनसेट पर, अभी हम लोग अभी नीचे चलते हैं, आज वाला मैच भी देखेंगे थोड़ा बहुत, और मेरे को नींद भी आ रही है, सुबह जल्दी उठे थे, सनी का एग्ज़ाम था इसलिए मैंने जल्दी शूट करना शुरू नहीं किया। चला जाए, नहीं 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 राकेश, नहीं 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 सुबह 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 इसकी मस्तियाँ शुरू हो जाए। गुड मॉर्निंग गाइस, कल रात को मैं बाद में शूट करने ही भूल गया, सो गया मैं, और रात को भी इतनी अच्छी नींद तो आई है नहीं। सुबह सुबह ये रॉकी बड़े ही हरफन वाला मूड में होता है। नहीं नहीं, एक सेकेंड, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रुक जा भाई। नहीं हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि सुबह सुबह ये भाई अलग मूड में होता है। अभी मैं वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पहली बार मैं ऐसे टेरेस पे सुबह आया हूँ, सुबह के 6 कुछ बज रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सुबह हो गई है 6 बजे के हिसाब से, मतलब ब्राइटनेस वगैरह। मेरे को अभी भी वहाँ पे रोड पे बहुत सारे लोग वॉकिंग और ये सब करते दिख रहे हैं,
जो कि बहुत अच्छा है, बहुत लोग करते भी थे पहले। जब मैं साइकिलिंग वगैरह जाता हूँ तब भी मैं उन लोग को देख के बड़ा ही खुश होता हूँ कि हाँ लोग खुद की हेल्थ पे ध्यान देते हैं। और सरप्राइजिंगली आपको जितना लगेगा ना उससे ज़्यादा ही लोग ध्यान देते हैं। अभी जस्ट हम लोग रॉकी को वॉक पे लेके आए हैं, सनी वॉक करा रहा है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं भूल गया था इस महीने की वो ख़त्म करके आया हूँ। तो अभी सुबह के 7 ही कुछ बज रहे हैं और यहाँ पे दो लोग सुबह सुबह फ़ोटो शूट करने आए हुए हैं। बढ़िया सा सनराइज हो रहा है, अभी अभी धूप आ रही है, इससे पहले राइज नहीं हुआ था अच्छे से। और कुछ लोग यहाँ पे कार चलाना सीख रहे हैं मेरे ख्याल से, और रॉकी को भागते हुए देखो अभी ताकि मेरी तरफ आ रहा है। देखो और वो जो वीडियो का थंबनेल है, ठीक है चलो अभी रिवील कर ही देते हैं भाई वो चीज़। एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोग के एक रील पे, तो को मास्क निकाल देता हूँ, आजू बाजू कोई है तो नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोग की एक रील जो कम से कम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पुरानी है, वो अचानक से कल सुबह मैं उठा, मेरे को ऐसा नोटिफिकेशन आया कि जो नया अकाउंट अपने ने बनाया है, पहला जो इंस्टाग्राम था वो मेरे खुद के नाम पे था राजेश यादव करके, और अभी इस चैनल के नाम का इंस्टाग्राम मैंने नया बनाया, तो उसके ऊपर मैंने कुछ रील और कुछ पोस्ट वगैरह करी हुई है। उस पर मैंने ये वाली रील डाली हुई थी और सबसे फर्स्ट रील यही डाली थी मैंने उस चैनल पे, उस वाले अकाउंट पे मतलब। तो हुआ क्या कि कल सुबह हम लोग उठे तो अचानक से उस पर टन 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 करके 100 नोटिफिकेशन आ गए। तो मैं क्या कि 100 नोटिफिकेशन, मेरे को लगा कि यार कल मैंने थंबनेल पोस्ट किया था पर उस अकाउंट पे कुछ 10 या 20 ही फॉलोअर्स थे, तो मैं क्या कि 100 नोटिफिकेशन तो कैसे ही आ सकते हैं। तो फिर मैंने खोला अकाउंट और देखा अभी गिर जाता था। हाँ तो मैंने खोला वो अकाउंट और देखा, तो वो अकाउंट क्या बोल रहा था कि भाई अपने हो चुके हैं 10,000 व्यूज़ हफ्ते भर पहले। उस पर जैसे नहीं होता है कोई भी फोटो या वीडियो पे कि लाइक आना बंद हो जाते हैं वैसा सर, तो हफ्ते भर पहले वैसा था तो 330 कुछ थे, तब भी अच्छे खासे व्यूज़ थे, मतलब 9,000 एक 10 फॉलोअर वाले अकाउंट पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक ब्लॉग में भी मैंने शेयर किया था कि यार मेरी पहली ऐसी वीडियो है जिसपे 7-8,000 व्यूज़ आए थे, उस वक्त पे 7-8,000 थे उस पर। तो कल सुबह मैं उठता हूँ उस पर अचानक से 300 से 700 लाइक हो जाते हैं और मैं व्यूज़ देखता हूँ तो भाई 18,000 व्यूज़। फिर पूरे दिन में उस वीडियो पे अप्रॉक्सीमेटली हर घंटे 1,000-2,000 व्यूज़ ऐसे बढ़ते जा रहे थे, और 100-200 लाइक ऐसे करके। तो अभी करंटली उस वाले वीडियो पे, साउंड बंद कर देता हूँ कॉपीराइट आ जाएगा, तो ये देखो आई होप दिख रहा हूँ, मेरे को खुद को नहीं पता चल रहा है दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। तो जो भी हो मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि कितने व्यूज़ आए हैं, स्क्रीनशॉट। हाँ तो भाई 57,000 व्यूज़, मतलब मेरे पूरे चैनल के व्यूज़ 2-4 बार भी काउंट कर लो तो इतने व्यूज़ नहीं होते, तो एक ही रील पे इतने व्यूज़ आ गए। और रील पे हमेशा ही अच्छा वाला रिस्पांस आता है आपके यूट्यूब वीडियो से, भाई इस वाले वीडियो के रिस्पांस से मेरे को और ज़्यादा रील करने की ये जुगरासा हो रही है, क्योंकि ये सारे रिस्पॉन्सेज देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मेरे YouTube वीडियोस बहुत बार 1-2-10 व्यूज़ भी करते हैं, मतलब होपफुली मेरे YouTube वीडियोस भी इतना अच्छा करे कभी। आपको भी अगर रील पे व्यूज़ लाने हैं तो वो बहुत ही ईजी है एज़ कम्पेयर टू YouTube, क्योंकि आप थोड़ा भी अच्छा कॉन्टेंट बनाओगे तो वो ऐसे ही किसी की भी फीड में आ जाता है, और YouTube में ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जिस वीडियो पर आया हो वही शेयर वेयर होता है, और अगर आपका वीडियो ज़्यादा सर्च होता है, ज़्यादा वॉच टाइम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। रील में भी कुछ चीज़ें होती होंगी नो डाउट, पर इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है। ये चीज़ बताने की थी, 50,000 व्यूज़ के ऊपर व्यूज़ आ गए हैं मेरी एक रील पे, बहुत ही अच्छा अच्छा फील हो रहा है मेरे को कल से ही, मतलब मेरे को थोड़ी और लालच आ रही की और ज़्यादा व्यूज़ आए, पर ठीक है 50,000 आए। वो के वाला जो साइन होता है वो देखने में मज़ा आ गया, तो बाकी तो छोड़ ही दो। कितने राउंड हुए? 3। इसके साथ साथ अपना भी काम हो रहा है। एक लड़का बेचारा डर गया, वो एक्टिवा पे जा रहा था तो पांव ऊंचे कर लिए उसने कि रॉकी काट नहीं ले। ये देखो ऐसे कोई भी जाता है तो फिर वो उसको उन लोग को ऐसे देखता है, एकदम कुत्तों के पास कुत्ते के लिए बचा के रख। हाँ जब भी मत बता, जब कुत्ते की गैंग आती है तब कैसा होता है इसको, तब साले फट जाती है। ये मेरे को म्यूट करना पड़ेगा अभी। कर देंगे, क्या है उसमें, तब हमको बचाना पड़ता है इसको।
अरे अभी बहुत छोटा है यार, क्या करें। तो क्या वो तूने स्टोरी नहीं डाली थी, रोहित को मोटा बोल रहा था। उसमें भी तो छोटा ही कुत्ता होता है। बात तो ये भी सही है, ठीक है चल, वो लड़ता नहीं है पर वो डरता भी तो नहीं है। मतलब कुत्ता हमारा ब्रेव है पर छोटा है थोड़ा, तो अगर हम लोग को इसको डॉग वॉर्स और ऐसे मारा मारी करवानी है तो थोड़ा उसको बड़ा करना पड़ेगा। डॉग वॉर्स आतंकवादी थोड़ी बनाना है बेचारे को। नहीं नहीं, डॉग वॉर्स के बाद खून खराबा कितना होता है, कान से खून निकल रहा होता है। अच्छा ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ यार, कल से शूट कर रहा हूँ मैं, अभी मैं एक और वीडियो शूट करूंगा घर जाके शायद। अगर आप लोग को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मैं मिलूंगा आपको अगले वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए पीस आउट, चलें फिर, चलता है।